फिश फ्राई बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो मछली लिया है, यह रेहू मछली है और हमने दुकानदार से कटवा कर अच्छे से साफ करवा लिया है और धो लिया है इसे। अब चलते हैं इसके लिए मसाले तैयार करने। तो यहाँ पर 2 चम्मच सरसों, 10 से 12 लहसुन और 2 सूखी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर इसे कवर करके ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसे डायरेक्ट मछली पर ही डाल लेते हैं। तो अच्छे से निकाले, पूरा मसाला हम अच्छे से निकाल कर मछली पर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, नमक को थोड़ा सा हाथ पर ही लेकर अच्छे से मछली पर फैला ले ताकि पूरे मछली में अच्छे से नमक मैश हो, मतलब मिले, और फिर हम इसे मसाले से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोनों मछली पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बढ़िया से मिक्स करना है, दोनों तरफ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहे तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट भी करने दें या फिर डायरेक्ट फ्राई कर लें। तो फ्राई करने के लिए हमने गैस पर एक फ्राई पैन लिया है, इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़ा चम्मच सरसों तेल। मछली को हमेशा सरसों तेल में ही फ्राई करें तो टेस्ट बनता है। और फिर थोड़ा सा इसे फैला लिया है, देख सकते हैं धुआरा यानी फुल गर्म है। अब हम इसमें अच्छे से इन मछली को डाल देते हैं, एक बार में एक ही मछली डालते हैं क्योंकि ये लंबा है, तो अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा। और थोड़ा इस तरीके से घुमाते रहें और फिर सावधानी से इसे पलटे क्योंकि मछली जो है वह तुरंत से पक जाता है। और लीजिए यह पक गया, हमने इसे साफ प्लेट में निकाल लिया है। दूसरा मछली भी डाल लिए हैं, इसे भी इसी तरह से दोनों साइड से पलटते हुए हम फ्राई कर लेंगे। बढ़िया से फ्राई करें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक। मछली ऊपर से तुरंत पक जाता है लेकिन अंदर से पकने में या मसाला भुनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए लाजवाब सुपर टेस्टी फिश फ्राई तैयार है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखा कितनी आसानी से यह बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।